So we are at the Prabhas 4.0 and we have Mr. Anand with us, Vice President Business at Commercial Passenger. Sir, welcome to Behind the Wheels. Sir, particularly हम ये 13 मीटर का बस देख रहे थे और काफ़ी कुछ अलग दिखा. तो पहले तो सर एक तो बस मुझे नया कुछ दिखा, तो what are the all new products you are displaying at Prabhas? First of all, welcome to Tata Motors Pavilion. Thank you, sir. Thanks for taking out time and coming here. Thank you, sir. Thank you. The theme for Tata Motors, as far as Prabhas 4.0 is concerned, is safe, smart and sustainable solutions. Now, let me आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है. आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक थ्रस्ट दे रही है ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द एंटायर बस इंडस्ट्री. करेक्ट. इसको ध्यान में रखते हुए हमने आज पहले 7 मीटर ईवी बस यहाँ पे लॉन्च किया है. ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया है जो 7 मीटर जो अर्बन सिटीज में भी चल सकती है, टीयर टू और टीयर थ्री बियॉन्ड द सिटीज ऑल्सो जा सकती हैं. सेकेंड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हमको एक ईवी कोच हमने लॉन्च किया, विच इज़ मैग्ना ईवी कोच, जो हम यहाँ पे बाहर पार्क किया दो. तो आपने देखा होगा डीजल के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक का दो सॉल्यूशन लॉन्च किया है. ये ऐसा है कि हमारे पास पहले 9 मीटर बस था, 12 मीटर बस था, अभी हमने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंड किया. सेकेंड, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, तो मतलब सिटीज़ आर बिकमिंग बिगर, पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री सिटीज टू मेट्रोस. तो इनको लास्ट मेल कनेक्टिविटी चाहिए होगा. लास्ट मेल कनेक्टिविटी कहाँ से? मेट्रो स्टेशन से घर जाने के लिए, बस स्टैंड से घर जाने के लिए. उसके लिए हमने मैजिक बाई फ्यूअल सीन जो CNG और पेट्रोल दोनों में चल सकती है, हमने ये लॉन्च किया है. जब सिटीज़ बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आती है या IT कंपनी सेटअप करती है, तो स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन सिटी से सबोब जाने के लिए आपको चाहिए होगा. इसके लिए हमने CNG का प्लेटफॉर्म पे अल्ट्रा प्राइम CNG ये सिटी रेड प्राइम लॉन्च किया, जिसपे डीजल पे है. दोनों में क्या, ये CNG प्लेटफॉर्म में पुशबैक सीट के साथ, ये डीजल में पुशबैक सीट के साथ है. ये शॉर्ट डिस्टेंस इंटरसिटी मुंबई राजकोट बॉम्बे पुणे ऐसा सेगमेंट में जा सकती है. अगर किसी को लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, जो टीयर वन जो सिटीज है, टीयर टू में जो माइग्रेट करके हैं, उनको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, उनको कोच बनाने के लिए हमने डीजल में ये 13.5 मीटर का LPO 1820 का इंटरसिटी का चेसिस आज लॉन्च किया. इसका कंफर्ट खासियत क्या है? कंफर्ट चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए, इसलिए हमने इस पर आगे फ्रंट एयर सस्पेंशन दिया. हाई स्पीड में जब गाड़ी जाती है, हमको ब्रेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है. उस ब्रेकिंग को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर दिया विथ ECU कंट्रोल, जो हम कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म के साथ उसको ट्रैक कर सकते हैं. तो कंफर्ट के लिए एयर सस्पेंशन, ब्रेकिंग और सेफ्टी के लिए EMR रिटार्डर, ये नया पैकेज है. फ्रंट में डिस्क ब्रेक विच इज़ वेरी गुड इन ब्रेकिंग एफिशिएंसी. तो ये सब हमने कस्टमर का कम्फर्ट और सेफ्टी में ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर लॉन्च किया. सर, पर्टिकुलरली अगर हम बस के बारे में बात करेंगे, बस चेसिस के बारे में, तो सेफ तो काफ़ी है, कंफर्टेबल काफ़ी, लग्जरियस काफ़ी है. क्या लगता है कि एक OEM बिल्ड ऑप्शन आता है, एक चेसिस आती है, तो फ्लीट ऑपरेटर्स का क्या डोमिनेंस है, वो क्या चाहते हो? वॉज दिस अ लॉन्ग डिमांडेड? ये जनरली अभी तक क्या हो रहा था, चेसिस का सेलियंस ज़्यादा था, वो लोकलाइज कस्टमाइज करते थे. आप जानते हो हमारे पास खुद का बॉडी बिल्डिंग सब्सिडियरी है, जो जिसपे हमने यहाँ उसमें मैग्ना स्लीपर कोच बना के बेचते हैं. हम लोग 36 स्लीपर मैग्ना AC स्लीपर कोच इसके ऊपर बना के हम मार्केट में देते हैं. आज ये एयर सस्पेंशन नया चीज़ है, EMR नया चीज़ है, ये दिखाने के लिए हमने चेसिस को डिस्प्ले किया है. सर, क्या लगता है क्या मार्केट ट्रेंड्स आने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, और क्या नए ट्रेंड्स? तो ऐसे जैसे मैंने बताया आपको, सिटीज आर बिकमिंग बिगर, टीयर टू टीयर थ्री से टीयर वन जा रहे हैं लोग. तो इसमें क्या होता है, त्यौहार हो, कोई मैरिज हो या फंक्शन हो उसको गांव में या शहर में, वो वहाँ से यहाँ आते हैं, काम यहाँ अटेंड करके वापस जाते हैं. तो इनको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये कंफर्टेबल चाहिए. ये जो शिफ्ट हो रहा है अर्बनाइजेशन, टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री मूवमेंट, ये इस सेगमेंट को एक ट्रस्ट देगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए होगा. नंबर वन. नंबर टू, टूर्स एंड ट्रैवल सेगमेंट लास्ट 4-5 साल में, स्पेशली आफ्टर कोविड इट इज़ पिक्ड अप फैमिली ट्रैवल आउटसाइड, ये जो टूरिस्ट पैकेजेस के लिए
एक गाड़ियाँ जो लग्जरी सेगमेंट है वो जिसमें कंफर्ट चाहिए सेफ्टी चाहिए वो परफेक्टली सूटेड है इस बेस की ऐसा श्रेणी की गाड़ियाँ। हाँ सर, पर्टिकुलरली अगर इस बस के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी आते और लोग काफ़ी जल्द से कस्टमाइज करा सकते, तो आई गेस कि जो लोगों का डिमांड था एंड जो हमें रिक्वायरमेंट था एग्जैक्टली केटर किया कहीं ना एग्जैक्टली प्लस आगे भी दिया, डिस्क ब्रेक दिया है, फ्रंट एयर सस्पेंशन रिक्वायरमेंट था, 925 न्यूटन मीटर टॉर्क, तो पिकअप और स्पीड जाना चाहिए, एक्सेलरेशन जाना चाहिए, सब इसमें इंकॉर्पोरेट है। सेम थ्रस्ट ऑफ कमिंस जो हमारे पास अभी तो हमें टाटा कमिंस का इंजन है, 5.6 लीटर इंजन इसमें है, 220 हॉर्स पावर का है और टाटा का ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ टाटा ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर विद अस। एंड सर, फ्लीट सॉल्यूशंस तो इसमें आते हैं जैसे फ्लीट हाइड्रोजन और सो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम अभी हर गाड़ी में स्पेशली ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि बस 1000 किलोमीटर चलती है तो ट्रैकिंग होना चाहिए, गाड़ी का बिहेवियर, ड्राइवर बिहेवियर होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस पर टाटा मोटर्स फ्लीट एज कनेक्टेड प्लेटफॉर्म दिया है जिस पर लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो, ड्राइवर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ब्रेकिंग हम ट्रैक कर सकते हैं, तो ये सब इस पर इनकॉर्पोरेटेड है। ग्रेट, सो ही वाज मिस्टर आनंद, सर रियली वेरी नाइस इंटरेक्टिंग, थैंक यू सर, बॉट लॉट ऑफ इनसाइट्स, व्यूअर्स को भी जाना था काफ़ी सारी चीज़ें नए नए डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट्स के बारे में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।